बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। आज आपके लिए ऐलान का बहुत हेट आर्टिकल लेके आए, क्योंकि वेडिंग सीज़न है, उस हिसाब से इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी। तो बेटर देन ओरिजिनल वाली कैटेगरी का हमारा ये आर्टिकल है। प्राइस आप देख सकते हैं, ओरिजिनल 26,900। और जब हम आपको कह रहे हैं कि बेटर देन ओरिजिनल है, तो उसका मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर, तभी हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ एक दो तो ऐसी चीज़ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ओरिजिनल से बहुत अच्छी बनाई है। तो उसको अनपैक करते हैं डिटेल के साथ, आपको इसकी सारी चीज़ें बताते हैं, वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब इसको अनपैक कर लेते हैं जी। तो अब आप देख सकते हैं, इसको अनपैक कर लिया है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये ओरिजिनल में वाइट कलर की नेट थी, लेकिन हमने क्योंकि मॉडल में सेम कलर है, तो उसी कलर का हमने पूरा आर्टिकल बनाया है। प्योर बरीजा नेट पे ये पूरा आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है। इसको अनपैक किया है, सबसे पहले इसका सेंटर पैनल आपको दिखा देते हैं। सेंटर पैनल की जो चौड़ाई है अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19 इंच की है। और बेटर देन ओरिजिनल किस तरह है, ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीट इस डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। ये आप देख सकते हैं प्योर सिल्क का फैब्रिक है, और इसके ऊपर ये पूरा हैंड एम्बेलिश आपका ये दामन दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा 36 इंच का ये बॉर्डर है, ठीक है। ये पूरा फ्रंट एंड बैक दोनों का है, लेकिन अभी मैं आपसे फ्रंट की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ आपको फ्रंट का भी सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी दूसरी लेस की तरफ। ये भी पूरी लेस जो है सिल्क पे बनी हुई है, और इस पे भी जो है वो पूरा हैंड एम्बेलिश काम हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी 36 इंच की लेस है, ठीक है। इसके बाद एक और सिल्क की लेस है, जो ये आप देख सकते हैं, ये शायद आपको पिक्चर में क्लियर ना हो, लेकिन ये लेस देख सकते हैं आप, ये लेस जो है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूँ आपको कि ये जो लेस है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 गज की लेस है, क्योंकि ये नीचे लगने के साथ साथ ये कलियों को जॉइंट भी करेगी ये लेस, ठीक है। तो ये इतनी इनफ लेस है कि ये दामन साइड की कलियां लगने के बाद भी ये लेस बचेगी इतनी, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, सेंटर पैनल जो है ये भी पूरा हैंड एम्बेलिश विथ अड्डा वर्क के साथ है। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें, ये सारी हैंड एम्बेलिश है। काम की फिनिशिंग देखें, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग देखें, हैंड एम्बेलिश अड्डा वर्क जितना भी इसके ऊपर हुआ हुआ है, उसकी फिनिशिंग देखें, कितना नीट एंड क्लीन ये सारी चीज़ें हैं। या पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर नेकलाइन की तरफ। इसकी साइडों पे भी आप देख सकते हैं ये सारा हैंड एम्बेलिश है। ये वाली साइड भी आप देख सकते हैं, ये भी सारी हैंड एम्बेलिश है। इतना इनफ कपड़ा दिया गया है साइडों में कि आपका इजीली कलियां भी लग सकती हैं। ये इसकी नेकलाइन है, फैब्रिक के ऊपर ही पूरी बनी हुई है। ये भी पूरी हैंड एम्बेलिश है, ये भी आप देख सकते हैं। काम की फिनिशिंग देखें, एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग देखें, नफासत देखें, कितना नीट एंड क्लीन काम है। ओरिजिनल मैंने परचेज़ किया, उसमें भी इतनी फिनिशिंग नहीं है जितनी हमने की है। आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि बेटर देन ओरिजिनल क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये पूरा इसका सेंटर पैनल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये गोटे का काम भी है, ठीक है। सारा अड्डा वर्क है, कोई ग्लू का काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको इसका सेंटर पैनल विद दामन की 3 लेसें जो ओरिजिनल में आई थी, सेम एज इट इज़ देती हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका सेंटर पैनल हो गया। नीचे जो है प्योर रॉ सिल्क का फैब्रिक मैंने बिछाया है, जो कि ट्राउज़र के लिए हमने दिया है। प्योर रॉ सिल्क का ट्राउज़र ये मैंने नीचे इसलिए बिछाया ताकि आपको कलर वाजे हो सके, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इसका फ्रंट सेंटर पैनल। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों में। अब आ जाते हैं इसकी साइड की कलियों की तरफ। ये आप देख सकते हैं मॉडल में शायद इतनी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये साइड की जो कलियाँ हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये साइड की कलियाँ पूरी हैंड एम्बेलिश है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस पर गोटे का काम हुआ हुआ है। फ्रंट का जिस तरह काम हैवी, इसी तरह ये पूरी साइड की कलियों का भी काम है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये लेस देख लें, ये लेस जो है बहुत डिसेंट सी एक लेस है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 गज की लेस दी गई है, ठीक है। ये पूरी लेस जो है साइड की कलियों में भी यूज़ होनी है, और फ्रंट का दामन और बैक के दामन में भी यूज़ होनी है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा, इसके ऊपर सारी वो चीज़ें यूज़ हुई हुई है जो फ्रंट में हैवी एम्ब्रॉयडर्ड काम हुआ हुआ है, और साथ में पूरा अड्डा वर्क का जो काम हुआ हुआ है, सेम गोटा वर्क, सारी चीज़ें, पर्ल्स,
सारी नई नई चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फुल हैंड एम्बेलिश अड्डा ओवर के साथ ये साइड की कलियाँ हैं। चौड़ाई इसकी अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 इंच है, फ्रंट की जो चौड़ाई है वो 19 इंच है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डबल एक्सेल लार्ज भी ईजीली बन सकता है। ठीक है, तो ये पूरी जो है मैंने लेस भी आपको दिखा दी, साइड की कलियों के साथ ये जुड़ेगी और साइड की कलियां भी दिखा दी है। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी चीज़ों की तरफ, अब आ जाते हैं इसकी बैक की तरफ, क्योंकि मॉडल पिक्चर में तो बैक नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बैक है। दामन से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा हैंड एम्बेलिश इसका बैक का दामन है। ठीक है, ये एक दूसरी लेस है, ये सब सिल्क पे है, ये साटन वाटन पे नहीं है, ये अच्छी इम्पोर्टेड बाहर की क्वालिटी के सिल्क फैब्रिक के ऊपर ये दामन का बॉर्डर है, पूरा हैंड एम्बेलिश। ये 36 इंच का ये बॉर्डर है पूरा। इसके बाद एक ये लेस है, ये पूरी हैंड एम्बेलिश है, ये भी 36 इंच की है। और इसके बाद एक और ये लेस है, ये भी पूरी 36 इंच की। ये तो काफ़ी ज़्यादा लेस है क्योंकि ये साइड की कलियों में भी यूज़ होगी। अच्छा, ये देख सकते हैं आप बैक पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जाल नुमा बैक है। ठीक है, ये फुल आप जो है ना कह सकते हैं इसको वेडिंग के हिसाब से ये ड्रेस है, फुल हैवी लग्जरीज कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी और पूरी लेंथ बनेगी, ये देखें आप फुल साइज़ की लेंथ है। ठीक है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जरी एंड सीक्वेंस का इसके ऊपर काम है और बहुत अच्छा सा मैट सा सीक्वेंस है। ठीक है, डिसेंट सा। तो ये पूरी जो है इसकी बैक हो गई। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी चीज़ों की तरफ, अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि बेटर देन ओरिजिनल है, ये आप देखें डिस्क्रिप्शन लाइन देखें कितनी लंबी लाइन है, ये अप्रॉक्सीमेटली 12-15 चीज़ें हैं जो सारी अलग अलग हैं, ये सब आपने ख़ुद लगाना है। एक एक पट्टी जो है इसकी अलग अलग दी गई है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि कम से कम आपका एक्सपेंस हो स्टिचिंग में, क्योंकि सूट इतना महंगा होता है फिर स्टिचिंग इतनी महंगी होती है, तो कम से कम आपका एक्सपेंस हो। ये आप देख सकते हैं कितनी डिटेल, हर एक एक चीज़ का बॉर्डर अलग अलग दी है, लेकिन हमने कोशिश की आपको मर्ज करके दें। तो ये इसकी स्लीव्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉर्डर हमने अटैच किया है, इसका दूसरा बॉर्डर हमने अटैच किया है, इसका हमने तीसरा बॉर्डर अटैच किया है, इसका चौथा बॉर्डर लेस अटैच की है, और फिर इसके बाद ये पांचवी, ये पांच चीज़ें हम आपको एक साथ लगा के दे रहे हैं, ये आपको ओरिजिनल में कोई लगा के नहीं देगा। सेकंड चीज़ ये है कि ये पूरा फिनिश करके हम आपको दे रहे हैं, ये सारा फिनिश हुआ हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेलर जो है ये आप देखें नीचे से भी पूरा फिनिश है, पूरा रेडी करके हमने आपको उसकी स्लीव्स बना के दिए। 36 अप्रॉक्सीमेटली 36 इंच की इसकी विथ है और लेंथ तो आपको पता है 24 इंच की है, तो इजीली आपकी ये पूरी स्लीव्स बन जाएगी। पूरी स्लीव्स हैंड एम्बेलिश है, गोटे का काम है ये सारा, आप देख सकते हैं सारे ये जो है इसके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं, प्लस इसमें भी सारा गोटे का काम है। ये जितनी भी बॉक्सेस बने हुए हैं सब हैंड एम्बेलिश हैं। ये डिटेल के साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो बिल्कुल हल्की क्वालिटी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आउट क्लास स्लीव्स आपने देख ली है इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी चीज़ों की तरफ, अब आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। जैसा कि हमने बताया था आपको बेटर देन ओरिजिनल है, तो ये दुपट्टे की आप चीज़ें देख लें कि दुपट्टा, फिर इसकी लेस और फिर पल्लू और फिर तकरीबन पांच चीज़ों में दुपट्टा है। हमने आपको वन गो में पूरा रेडी टू वेयर दुपट्टा बना के दिया है, पूरा प्योर बरीजा खड्डी नेट पर ये दुपट्टा है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये लेस ओरिजिनल में अलग से थी, हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है, पल्लू अलग से था ये भी हमने रेडी कर दिया है। इसके बाद ये लेस थी, ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है ओरिजिनल में कटवर्क होके नहीं आती, ये भी हमने कटवर्क करके और बिल्कुल फिनिश, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रेडी टू वेयर फिनिशिंग के साथ आपको पूरा दुपट्टा रेडी करके दिया है। अच्छी खासी कॉस्ट लगती है इसके अंदर, अच्छा खासा टाइम भी लगता है, तो पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड रेडी टू वेयर इसका दुपट्टा जो कि हम क्लेम करते हैं बेटर देन ओरिजिनल, तो एक ये रीज़न है बेटर देन ओरिजिनल का। दूसरा ये है कि स्लीव्स हमने आपको पूरी रेडी करके दी है, पांच हिस्सों की स्लीव्स जो है जो कि ओरिजिनल में अलग अलग आई थी हमने आपको वन गो बना के दिए। फोर साइड आप देख सकते हैं ये सिल्क की पूरी पट्टी है, फोर साइड ये लेस हमने आपको फिनिशिंग के साथ लगा के दी है, सिल्क की पट्टी है, सिल्क को लगाना इतना आसान नहीं होता,
पूरा रेडी टू वेयर पल्लू, आप देख लें पल्लू की फिनिशिंग देखें काम की, कितनी नीट एंड क्लीन नफासत से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये इसका पूरा दुपट्टा कंप्लीट हो गया है, बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। थैंक यू।